ठीक है। क्या ये क्या 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 मैंने क्या करा जो साबुन करे ना अरे निगम अफसर के साथ मारपीट और गाली गलौज का ये वीडियो मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता मिलने पर कांग्रेसी नेता की गुंडागर्दी का सबूत है। ये वीडियो इंदौर का है जहां कांग्रेस पार्षद कार्रवाई करने गए निगम टीम के दरोगा के साथ गाली गलौज करते हुए थप्पड़ जड़ रहे हैं। दरअसल सोमवार को नगर निगम की टीम प्रतिबंधित पॉलिथिन और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुँची थी, जहां टीम ने इकरा केटर्स नाम की होटल पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त कर चालान बनाना शुरू किया। इसी बीच वार्ड संख्या 2 से पार्षद मुबारक अंसारी आए और कार्रवाई कर रहे असिस्टेंट CAI उमेश प्रजापत के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। पार्षद अंसारी ने उमेश प्रजापत को थप्पड़ मार दिए। घटना है कि मैं निगम दल के साथ कार्रवाई करने गया था, आयुक्त महोदय के आदेश और स्वास्थ्य अधिकारी और आयुक्त के निर्देश अनुसार हमको पॉलिथीन और गंदगी पे स्पॉट फाइन करना थे, तो 2014-15 में हम लोग दल बनाकर कार्रवाई करने गए थे। तो लोहा लेगेट चंदन नगर में हम उसे कार्रवाई करने कुछ लोगों के चालान बनाए, फिर हम आगे गए तो एक इकरा केटर्स के वहाँ गए हम लोग, वहाँ हमने मानक पॉलिथीन वगैरह जब्त करी, उसका हम स्पॉट फाइन बना रहे थे, चालान बना रहे थे, 2000 का चालान बनाया था हमने उसका, तो चालान देने में आना का नहीं कर रहा था, हम उससे बात कर रहे थे। इतने में उधर से मुबारक मंसूर जी जो पार्षद है वार्ड दो थे वो आए और उनके साथ कुछ लोग आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे कार्रवाई क्यों कर रहे थे, तो एच ओ साहब वगैरह हम सब खड़े थे, हमारे हेल्थ ऑफिसर वगैरह, हमने बोला आप अगर नहीं चाहते हो कार्रवाई तो आप उनसे बात कर लो हमारे पर आयुक्त से, तो उन्होंने बोला नहीं आप यहाँ कार्रवाई नहीं करोगे, और मुझे धक्का दिया, मेरे साथ स्पॉट फाइन की कुछ छीनी और मुझे निगम अफसर के साथ पार्षद के मारपीट की खबर के बाद निगम अफसर पार्षद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के लिए चंदन नगर पुलिस थाने पहुंच गए। इसकी भनक कांग्रेस नेताओं को लगी तो वो भी थाने पहुंच गए और कार्रवाई ना करने के लिए पुलिस पर दबाव बनाने लगे। पार्षद का पक्ष लेने थाने पहुंचे कांग्रेस नेता शेख अलीम शायद ये भूल गए थे कि मौके पर मौजूद एक कैमरे ने पार्षद के इस करतूत को कैद कर लिया था। वहीं नगर निगम कमिश्नर ने आरोपी पार्षद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। वार्ड 2 में जब चालानी कार्रवाई की जा रही थी तो उस समय हमारे जो कर्मचारी थे उनके साथ में कुछ धक्का मुक्की की घटना हुई है और ये कुछ सूत्रों से भी पता चला है कुछ मारपीट की भी घटना हुई है, तो इस संबंध में मेरे द्वारा जो भी अधीनस्थ कर्मचारी हैं चाहे वो अपर आयुक्त हों चाहे हेल्थ ऑफिसर्स हों उनको सबको स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि जो भी उस घटना स्थल पर मौजूद था और जिनके नाम हमको पता हैं उनके विरुद्ध FIR कराई जाए और अगर किसी ने मारपीट की कार्रवाई की है तो उसके खिलाफ उन्हीं धाराओं में कार्रवाई की जाए जो कड़ी से कड़ी धाराएँ संभव हैं। देखिए हमारे काम करने में नगर निगम इंदौर में और ख़ास तौर पर सफाई कर्मचारियों के संबंध में हम लोगों ने कभी भी राजनीति को आड़े नहीं आने दिया है और यही एक कारण है कि इंदौर लगातार 3 बार से नंबर 1 आ रहा है। आगे भी हम लोग इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे, अगर कहीं पर कोई इस प्रकार की घटना हुई है तो जो कानूनी तौर पर सही होगा और जो हमारे कर्मचारी रिपोर्ट करेंगे उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। इधर निगम अफसर के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने पार्षद के खिलाफ कार्रवाई ना कर अन्य के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है, साथ ही पार्षद के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है। आज दोपहर में नगर निगम कर्मचारी जो हैं, जो इनके सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं योगेंद्र दीक्षित और उमेश प्रजापति, ये लोग थाने पे आके रिपोर्ट लिखाए थे कि जब ये आज शासकीय कार्य लोहावाली गेट पे कर रहे थे तब इकरा कैटरर्स के पास में जब ये स्पॉट फाइन की कार्रवाई कर रहे थे तब कुछ लोगों के द्वारा इनके साथ शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए इनके साथ मारपीट की गई है जी। और इनके द्वारा तत्समय जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था उसके आधार पर FIR इसमें पंजीबद्ध 3 लोगों के खिलाफ की गई है। अभी नगर निगम जो कर्मचारी जिन्होंने FIR कराई थी वो पुनः एक आवेदन पत्र उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनके द्वारा पार्षद मुबारक मंसूरी के खिलाफ भी आरोपी का FIR में नाम बढ़ाने के लिए उसमें लेख किया गया है और
आवेदन पत्र और जो वीडियो की सीडी उनके द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है जी, और जिस पर शीघ्र ही विधि अनुसार तत्समय शीघ्र इसमें कार्रवाई की जा रही है। जी मैंने आवेदन दिया और रिपोर्ट की उनके खिलाफ, क्योंकि शासकीय कार्य में उन्होंने बाधा डाली। ये कौन सी पार्टी का है पार्षद? सर ये कांग्रेस पार्टी की है, ज्यादातर मुझे नॉलेज में है। वहीं काफी समय से वार्ड में काम करने वाले निगम कर्मचारियों का कहना है कि वे पार्षद से काफी समय से परेशान हैं। हर वक्त काम पर दबाव बनाने की बात भी सामने आ रही है। पूरे मामले में निगम कमिश्नर आशीष सिंह ने अपने कर्मचारियों पर हुए अभद्र व्यवहार और मारपीट को लेकर पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की बात करी है, लेकिन पुलिस कांग्रेस नेताओं के दबाव के चलते जाँच के बहाने पार्षद को बचाने में जुटी है, तो निगम कर्मचारी कार्रवाई न होने पर हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं।